हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सूर्य प्रकाश। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है वेरिकोज वेन्स के बारे में। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आइए जान लें कि आखिर वेरिकोज वेन्स होता क्या है। वेरिकोज वेन्स एक्चुअली कुछ टॉर्चरस वेन्स होती हैं, जो कि आप ऐसे बोल सकते हैं उसे कि वो फूली हुई या सूजी हुई नसें होती हैं, जो मोस्ट कॉमनली पैरों में पाई जाती हैं। हालांकि ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो इसका साइट होता है वो पैरों में होता है। उसका कारण भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। उसका जो बेसिक कारण है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े होने वाले जो जॉब्स होते हैं वो लोग इस वेरिकोज वेन को डेवलप करने के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं इस कारण से। और उसके पीछे जो कारण है उसको मैं आपको बताऊं कि जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उनका काम जो होता है वो ब्लड को इकट्ठा करके एक जगह से हार्ट की तरफ ले जाती हैं। तो उस उनमें कुछ वॉल्स होते हैं, जो वॉल्स अगर डैमेज हो जाएं तो जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट की तरफ से, जो कि आपके बाहरी हिस्सों से हार्ट की तरफ जाना चाहिए, वो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है और एक जगह स्टैगनेट हो जाता है, एक जगह जमा हो जाता है। तो उसके कारण वहाँ पर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं, जैसे कि वेंस की बल्जिंग होना, वेंस का मोटा होना, टॉर्चरस होना, टेढ़ापन आना उसमें, या फूल जाना, सूजन आना, या वहाँ पर कई बार घाव भी बन जाते हैं। तो ये कुछ एक फीचर्स हैं जो कि वेरिकोज वेन में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। तो आखिर अब जानते हैं कि ये किन में ज्यादा होता है, या कौन लोग ऐसे हैं जिनमें जो ये वेरिकोज वेन डेवलप करने के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। तो दोस्तों बताऊं कि ये वेरिकोज वेन डेवलप होने के चांसेस फीमेल्स में ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स या हॉर्मोनल चेंजेस जो उनमें होते हैं, जो एक ईस्ट्रोजन नाम का हॉर्मोन होता है उसके प्रभाव से जो वेनस वॉल होते हैं उनकी जो इलास्टिसिटी या आप लचीलापन बोलिए वो कंपैरेटिवली मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो उसमें ये वेरिकोसिटी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ख़ासकर जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं तो उनमें इसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। मेल्स में ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनका जो जॉब प्रोफाइल है या जिनके जॉब करने जो जॉब उनका है वो लॉन्ग स्टैंडिंग टाइप का जॉब है, जैसे कि हम लोग खुद हो गए, सर्जन्स हो गए और ट्रैफिक पुलिस हो गए, या टीचर्स होते हैं, कई देर देर तक वो लोग खड़े रहते हैं। तो उनमें वेरिकोज वेन डेवलप होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। जहाँ तक एज की बात होती है ये किसी भी एज में डेवलप हो सकता है। हालांकि जो मोस्ट कॉमनली इसे देखा गया है कि आफ्टर 30 इयर्स इसके डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ तक कि इसके कॉज की बात है वो मैंने आपको समझाया कि जो नसों में वॉल्व होती है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, जिसके कारण जो नॉर्मल फ्लो है, डायरेक्शन है ब्लड का, जो कि वेन्स में पेरीफेरी से, मतलब कि आपके या मेरे पैर पैर हाथ या उस तरफ से हार्ट की तरफ हो जाता है, वो उल्टा डायरेक्शन में हो जाता है और उसके चलते स्टैगनेंसी आ जाती है, कहीं ना कहीं जमा ब्लड होने लगता है और उसके कारण ये वेरिकोज वेन डेवलप होता है और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अब इसके बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो है सिम्टम्स के बारे में, कि कैसे पता चलेगा कि वेरिकोज वेन डेवलप हुआ है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो है आपको हैवीनेस फील होगा लेग्स में, या जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट कॉमनली जो साइट है इसका वो पैरों में होता है। तो मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम होता है, प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है जो पेशेंट्स हमारे पास लेके आते हैं वो होता है हैवीनेस इन द लेग। दूसरी चीज होती है कई बार पेशेंट जो है बर्निंग सेंसेशन बताते हैं, थ्रॉबिंग सेंसेशन बताते हैं, पेन होता है, वो एक मीठा मीठा सा या भारीपन सा कंटिन्यूअस दर्द बताते हैं, जिसमें कई बार मसल क्रैम्पिंग जैसा वो पेन डिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स। और
दूसरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इसके साथ एसोसिएटेड होता है वो होता है दोस्तों कि ये जो पेन होता है वो कहीं ना कहीं जब आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं या प्रोलॉन्ग वॉकिंग करते हैं तो ये दर्द जो है बढ़ जाता है, ये एग्रवेट हो जाता है, ये कहीं ना कहीं अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। और लास्ट जो सिम्टम है जो कि अगर ये वेरिकोज वेन आपको डेवलप हो चुका है और आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो कई बार ये दोस्तों स्टैग्नेंसी, जैसा मैंने बताया कि ब्लड वहाँ पे जमा होने लगता है तो वो अल्सर फॉर्म कर सकता है, घाव फॉर्म कर सकता है जो कि पहले इचिंग से शुरुआत होती है उसकी, और उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे स्किन डैमेज भी हो सकता है, वहाँ पर घाव का भी वो फॉर्म ले सकता है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हो गए। हालांकि देखकर भी आप कई लोग खुद डायग्नोस करते हुए आते हैं कि हमें वेरिकोज वेन डेवलप हो गया है, बट दोस्तों मैं बताऊं कि एक बार जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उन्हें हम डॉपलर एडवाइस करते हैं जो कि यूएसजी डॉपलर बोला जाता है, जैसे अल्ट्रासाउंड गाइडेड डॉपलर होता है वो। उससे ये पता चलती है कि कौन कौन से लेवल पर आपके जो वॉल्स हैं वेन में वो डैमेज हैं, क्योंकि इसका रोल मेनली ट्रीटमेंट में आता है कि ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए। ट्रीटमेंट के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। एक बार जब ये डायग्नोस हो जाता है तो इसके ट्रीटमेंट के कई सारे तरीके हैं जो कि या तो वो कंजर्वेटिव वे में ट्रीट किया जाता है या सर्जिकल वे में ट्रीट किया जाता है। कंजर्वेटिव वे में ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हम प्रिवेंटिव मेजर्स बताते हैं पेशेंट्स को कि ऐसा आप क्या करें जिससे वेरिकोज वेन आपको डेवलप ही ना हो, या अगर वो इनिशियल स्टेज में है तो वो फर्दर प्रोग्रेस ना करे या बहुत ही स्लो प्रोग्रेस करे जिससे कि आप सर्जरी को डिले कर सकते हैं। तो उसमें एक हेल्दी वेट मेंटेन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। रेगुलर एक्सरसाइज जरूर हम लोग एडवाइस करते हैं। ऐसी जो टाइट क्लोथिंग्स होती हैं, जैसे टाइट वेरी टाइट जो क्लोथिंग्स होती हैं उनको वियर करने के लिए हम मना करते हैं। हाई हील्स को हम मना करते हैं कि आप उसे ना पहने। आप जब भी बैठें तो अपने लेग्स को क्रॉस ना करें, ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि लॉन्ग रन में आपको वेरिकोसिटी लेग में डेवलप करा सकता है। ये तो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए। बट अगर एक बार जैसे वेरिकोज वेन डेवलप हो जाता है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली क्या होती है कि उसे स्टॉकिंग्स हम लोग देते हैं, या तो वो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होते हैं या वो क्रेप बैंडेज के फॉर्म में आता है जिसे आप अप्लाई करें। वो हम प्रेशर कैलकुलेट करके देते हैं कि कौन से डिग्री का वेरिकोज वेन है, उस के हिसाब से हमें एडवाइस करना होता है कि आप स्टॉकिंग पहने और लेग एलिवेट करें, एक्सेसिव स्टैंडिंग को अवॉइड करें। अगर आप एक्सेसिव वेट है आपका, ओबीज है आप, मोटापा है, मोटापा से ग्रसित हैं आप, तो अपने वेट को कम करें। दूसरी चीज जो होती है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे आप कंप्लीटली बंद करें क्योंकि उसमें भी रोल होता है वेरिकोसिटी डेवलप कराने में, उसका एक अहम रोल होता है अगर आप स्मोकिंग कंटिन्यू करते हैं तो। दूसरी चीज जो होती है दोस्तों कि अगर आप इन सब कंजर्वेटिव मेजर्स से भी वेरिकोज वेन आपका ठीक नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसमें ओपन सर्जरी भी होती है, चीरा लगाकर कई बार उस वेन का जो सेगमेंट है उसे निकालना पड़ता है हमें। अदरवाइज आजकल बहुत सारे मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स आ गए हैं जिसमें कि लेजर की सहायता से हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं या एंडोवेनस लेजर एब्लेशन बोलते हैं, EVLA, उसकी सहायता से बिना ज्यादा चीरा दिए हुए उसे वेरिकोज वेन को जो है वो खत्म किया जाता है उन टॉर्चरस नसों को। और इसमें एक तो पेन बहुत कम होता है, दूसरी चीज जो होती है कि आप अपने वर्क को बहुत जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं और ये मिनिमली पेन कॉज करता है, तो जिसके कारण पेशेंट्स प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक जानकारी थी वेरिकोज वेन के बारे में जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। मुझे ऐसा लगता है कि वेरिकोज वेन के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारियाँ थी मैंने आप लोगों को दी है, और आप लोग कमेंट्स में कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप मेरे चैनल के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जो सवाल हैं मैं उनको आंसर कर पाऊँ। तो आप लोगों से लास्ट में मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें,
ताकि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाने के लिए प्रमोट हूँ और आप लोगों के सामने मैं अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ रेगुलरली आता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।